हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथ्स के वीक नंबर ट्वेंटी एट की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है कैन वी शेयर तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन है मेक इक्वल ग्रुप्स यहाँ पर बच्चों आपको समान ग्रुप्स बनाने हैं एंड राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग और बच्चों इनके डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एक आपके लिए किया गया है तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे कि मेक ग्रुप्स ऑफ सिक्स यहाँ पर छः के ग्रुप बनाने हैं एंड टेल द नंबर ऑफ ग्रुप मेड और आपने कितने ग्रुप बनाए हैं उनकी संख्या लिखनी है तो बच्चों टोटल कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पर टोटल हैं काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो बच्चे ट्वेल्व हैं या ट्वेल्व लिख लेंगे और बच्चे यहाँ पर सिक्स सिक्स के हम ग्रुप बना लेंगे तो कितने बने हैं टू तो बच्चों एक ग्रुप कितने का है सिक्स का तो बच्चों यहाँ पर सिक्स लिखेंगे अब सिक्स से ट्वेल्थ को डिवाइड करेंगे कितना आएगा सिक्स टू जार ट्वेल्व तो बच्चों कितने ग्रुप है टू तो यहाँ लिख देंगे टू नेक्स्ट है बच्चों मेक ग्रुप ऑफ थ्री यहाँ पर थ्री के ग्रुप बनाने हैं एंड टेल द नंबर ऑफ ग्रुप्स मेड और कितने ग्रुप आपने बनाए हैं उनकी संख्या बतानी है तो बच्चों टोटल कितने स्टार्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो बच्चों नाइन लिख लेंगे यहाँ अब हम बच्चे यहाँ पर थ्री के ग्रुप बना लेंगे अब बच्चों थ्री से इसे हम डिवाइड कर देंगे थ्री थ्री जार नाइन तो बच्चों यहाँ पर कितना आया आंसर थ्री इट मीन्स थ्री ग्रुप हैं नेक्स्ट है मेक ग्रुप ऑफ फाइव यहाँ पर पाँच के ग्रुप बनाने हैं एंड टेल द नंबर ऑफ ग्रुप मेड और बने हुए ग्रुप की संख्या बतानी है तो बच्चों हम फाइव फाइव के टू ग्रुप बना लेंगे तो टोटल कितने एप्पल्स हैं टेन हैं तो यहाँ टेन लिख लेंगे और बच्चों हमें बनाने हैं फाइव फाइव के तो बच्चों फाइव से इसे डिवाइड करेंगे फाइव टू ज़ार टेन तो बच्चों कितने ग्रुप बने हैं टू तो यहाँ पर टू लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर टू राइट डिवीजन फैक्ट्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एग्जाम्पल है 3, 5, 0, 15, तो बच्चों आंसर क्या आया ये वाला फाइव अब बच्चों हम फिर से, इस को लेंगे, और से करेंगे इस फाइव से डिवाइड करेंगे तो कितना आया ये वाला थ्री तो बच्चों अब हम नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट है सेवन इंटू फाइव इक्वल थर्टी फाइव अब इस थर्टी फाइव को यहाँ लिख लेंगे और इस फाइव से इसमें डिवीज़न कराएंगे फाइव सेवन जार थर्टी फाइव तो बच्चों आंसर कितना आया ये वाला सेवन अब बच्चों नेक्स्ट में फिर से हम ये थर्टी फाइव यहाँ लेंगे और किससे कराएंगे पहले हमने इससे कराई थी अब सेवन से कराएंगे सेवन फाइव जार थर्टी फाइव तो बच्चों आंसर कितना आया फाइव ये वाला फाइव आंसर आया है अब बच्चों नेक्स्ट है सिक्स इंटू फोर इक्वल ट्वेंटी फोर अब बच्चे यहाँ पर लिखेंगे ट्वेंटी फोर और इस ट्वेंटी फोर में इस फोर से डिवीज़न कराएंगे फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर तो आंसर कितना आया सिक्स ये सिक्स आया अब नेक्स्ट में फिर से बच्चे ट्वेंटी फोर ले लेंगे ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय सिक्स इस सिक्स से हम इसमें भाग देंगे सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर तो बच्चों आंसर क्या आया फोर नेक्स्ट है टेन इंटू थ्री इक्वल थर्टी अब बच्चे इस थर्टी में हम इस थ्री से डिवीजन कराएंगे थ्री टेन जार थर्टी तो बच्चों आंसर कितना आया है टेन इट मीनस ये वाला टेन आंसर आया अब फिर से बच्चों थर्टी में कराएंगे हम किस से इस टेन से कराएंगे टेन थ्री जार थर्टी तो बच्चों आंसर कितना आया ये वाला थ्री नेक्स्ट है एट इंटू नाइन इक्वल सेवेंटी टू तो बच्चों हम सेवेंटी टू में किससे कराएंगे नाइन से डिवीज़न कराएंगे नाइन एट जार सेवेंटी टू तो बच्चों आंसर कितना आया ये वाला एट अब बच्चों सेवेंटी टू में हम किससे कराएंगे इस एट से ही कराएंगे एट नाइन जर सेवेंटी टू तो आंसर कौन सा आया ये नाइन आया है तो बच्चों आप इस तरीके से इन्हें करेंगे अब फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं देयर आर ट्वेंटी फोर बटरफ्लाईज ये बच्चों ट्वेंटी फोर बटरफ्लाइज हैं दे आर इन टू ग्रुप्स कितने ग्रुप में है ट्वेल्व इसमें हैं और बच्चे ट्वेल्व इसमें हैं तो दो ग्रुप में हैं देयर आर ट्वेल्व बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप प्रत्येक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाइज है ट्वेल्व हैं अब बच्चे ऐसे ही हमें आगे करने हैं देयर आर बैलून्स कितने बैलून्स हैं काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन टोटल कितने हो गए फोर्टीन बैलून्स हैं फोर्टीन लिख लेंगे दे आर इन बंचेज कितने ग्रुप्स में हैं? तो बच्चों यहां पर कितने हैं वन एंड टू टू बंचज में है तो बच्चे दो गुच्छे हैं यहाँ टू लिख लेंगे देर आर बैलून्स इन ईच बंच प्रत्येक बंच में कितने बैलून हैं तो बच्चों कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो बच्चों प्रत्येक ग्रुप में है सेवन बैलून्स तो यहाँ लिखेंगे सेवन नेक्स्ट है देर आर फ्लावर्स कितने फ्लावर्स हैं तो काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फ्लावर्स हैं फिफ्टीन लिखेंगे दे आर इन बुकेट्स बच्चों वो कितने बोके हैं तो बच्चों तीन हैं आप देख सकते हैं वन टू थ्री तो यहाँ लिखेंगे थ्री देयर आर फाइव फ्लावर्स इन ईच बोके प्रत्येक में बच्चों कितने फूल हैं तो काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो बच्चों प्रत्येक में है फाइव फ्लावर्स तो बच्चे यहाँ लिखेंगे फाइव अब बच्चों क्वेश्चन है राहुल हैज थ्री प्लेट ऑफ जलेबी राहुल के पास तीन जलेबी की प्लेट है ईच प्लेट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबी प्रत्येक प्लेट में अलग अलग नंबर में जलेबी हैं बच्चे यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में टू हैं सेकंड में कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर तो बच्चे टोटल कितनी है सिक्स और फोर टेन एंड टू ट्वेल्व नाउ ड्रॉ द जलेबीज़ ऑन द प्लेट बिलो अब बच्चों नीचे प्लेट दी गई हैं इनमें आपको जलेबी बनानी है सो दैट ईच प्लेट हैज इक्वल नंबर ऑफ जलेबी और इस तरीके से बनानी है कि प्रत्येक प्लेट में बराबर जलेबी होनी चाहिए तो बच्चों टोटल कितनी जलेबी हैं ट्वेल्व ऊपर जो प्लेट है इनमें और कितनी प्लेट है थ्री हैं तो हम थ्री से ट्वेल्व में डिवीजन कर देंगे थ्री फोर जार ट्वेल्व तो बच्चों प्रत्येक प्लेट में हम कितनी जलेबी बनाएंगे फोर फोर इसमें बना लेंगे फोर सेकंड में और फोर इसमें हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टूगेदर अब सारी कितनी जलेबी हैं तो बच्चों सारी हैं ट्वेल्व हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बांटने के बाद प्रत्येक प्लेट में कितनी जलेबियाँ हैं तो बच्चों प्रत्येक में कितनी हैं फोर हैं तो यहाँ पर लिखेंगे फोर लाइफ स्किल होम बजट प्लानिंग अ होम बजट इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स एनी फैमिली नीड्स टू टेक टू एंश्योर देयर फाइनेंशियल हेल्थ घर के बजट को प्लान करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कदम है जिसकी एक परिवार को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करने में सुरक्षित करने में बहुत जरूरत होती है इफ यू डोंट हैव अ कॉन्क्रीट प्लान टू ट्रैक योर मंथली कैश इनफ्लो यदि आप अपने घर के महीने के खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा प्लान नहीं रखते हैं एंड आउटफ्लो स्पेंडिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड तो जो आपके खर्चे हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं इट मीन्स इसका मतलब है कि आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकते हैं प्लानिंग अ बजट कैन बी सिम्प्लीफाइड इन टू फोर इजी स्टेप्स एक बजट को चार तरीकों से चार स्टेप में हम अच्छे से बिल्कुल साधारण तरीके से प्लान कर सकते हैं एड अप योर मंथली इनकम सबसे पहले जो आपकी मंथली इनकम है आए है उसे ऐड करें सब मंथली एक्सपेंसेस अपने जो महीने के खर्चे हैं उन्हें घटा दें चेकिंग एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस फिर अपने जो घर के अननेसेसरी हैं जिनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है उन खर्चों को चेक करें और फिर फोर्थ स्टेप है बच्चों सेविंग्स कि आपकी क्या बचत है अब यहाँ पर बच्चों टेबल है फिल द टेबल रिलेटेड टू योर होम बजट गिवन बिलो नीचे दी गई टेबल को आप अपने घर के बजट से रिलेट करके फिल करेंगे एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देंगे तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये है एक्टिविटी यहाँ पर और ये हैं इनकम एक्सपेंसेस इट मीन्स आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं खर्चे कितने हैं तो बच्चे यहाँ पर है मंथली इनकम तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे मंथली इनकम जैसे कि मंथली इनकम है ट्वेंटी थाउजेंड मंथली डेब्ट पेमेंट्स इट मीन्स जो महीने का ऋण देना होता है डेब्ट बोलते हैं बच्चे ऋण को तो वो कितना है टू थाउजेंड फूड एंड ड्रिंक में कितना एक्सपेंस होता है वन थाउजेंड एट हंड्रेड हाउस होल्ड गुड्स पर जो घरेलू सामान होते हैं उस पर फाइव थाउजेंड यूटिलिटी जो उपयोगिता के वर्क होते हैं उन पर आपका एक्सपेंस होता है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्लॉथ्स कपड़ों पर फाइव हंड्रेड रेंट किराए के लिए टू थाउजेंड अदर वर्क के लिए अदर जो आपके वर्क होते हैं उन पर एक्सपेंस होता है वन थाउजेंड तो बच्चों ये आपका एक्सपेंस है और यहां पर है मंथली इनकम यहाँ पर ये एग्जाम्पल है होम बजट का कि आप कैसे फिल करेंगे तो बच्चों इसके लिए आप अपने माता पिता से उनकी इनकम पूछेंगे जैसे कि यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड है तो उनसे आप उनकी इनकम पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि उनके खर्चे कितने हैं तो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्सपेंसिस हैं तो सभी के डिफरेंट हो सकते हैं तो बच्चों ये आप पूछकर फिल करेंगे अब क्वेश्चन है वॉट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर इट मींस जो टोटल है मंथली खर्चा कितना है तो बच्चों आप इसे प्लस कर लेंगे तो ऐसे ही प्लस करने पर कितना आता है ये थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट है व्हाट इज योर टोटल सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ बच्चों महीने के अंत में आपने कितनी बचत की है तो बच्चों यहां पर देखेंगे हमारी जो इनकम है वो कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड खर्चा कितना है हमारा जो एक्सपेंसेस है थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड का तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे कितने बचे सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड तो हमारी मंथली सेविंग कितनी है सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इन विच ऑफ द एक्टिविटीज कैन बी मिनिमाइज्ड अब बच्चे ऐसा कौन सा खर्चा है जिसे आप कम कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि क्लॉथ्स होते हैं क्लॉथ्स हम मंथली नहीं बनाते हैं हर महीने कपड़े नहीं बनते हैं तो बच्चों जो क्लॉथ्स एंड अदर जो हमारे एक्सपेंस होते हैं हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं कम कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे क्लॉथ्स एंड अदर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू